वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता और मेरे हाथ में आप कुछ पैकेट देख रहे हो और तो इन पैकेट्स के अंदर है कुछ मेकअप के सामान, क्योंकि मैंने अमेजोन से कुछ मेकअप प्रोडक्ट बाय किए हैं और साथ ही एक हेयर स्ट्रेटनर भी बाय किया है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अमेजोन ब्यूटी हॉल। यार शादियों का जो सीज़न है ना स्टार्ट होने वाला है, तो हम लड़कियों को ना मेकअप के प्रोडक्ट की ज़रूरत तो पड़नी ही पड़नी है। मुझे भी ज़रूरत थी तो मैंने इसे बाय कर लिया, सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ क्योंकि आप लोग को भी ये जो वीडियो है हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट मैंने बाय किए हैं और जो हेयर स्ट्रेटनर है बहुत ही कमाल का है और बहुत ही सही रेंज में है। तो चलिए आपके टाइम को ना खराब करके आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये छोटा वाला जो बॉक्स है मैं इसे ओपन करती हूँ, एक मिनट वन मिनट। तो इस अमेजोन बॉक्स के अंदर क्या है, इसके अंदर आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा। तो पहला प्रोडक्ट ये है स्विस ब्यूटी का प्राइम सेट प्राइमर मैटिफाइंग सेटिंग पाउडर। दोस्तों सेटिंग पाउडर मुझे ज़रूरत थी सेटिंग पाउडर की, तो मैंने इसे अपने लिए बाय किया। ये फर्स्ट सेटिंग पाउडर आप कह सकते हो, तो क्योंकि लूज़ पाउडर में मैं ज़्यादा यूज नहीं करती थी, इस टाइम तो मैंने काफ़ी लूज़ पाउडर आज के इस हॉल में मंगाया है। तो पहले ये सेटिंग पाउडर है, ओके। तो ये स्विस ब्यूटी का है, इसका जो शेड है वो है 01, 10 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ आता है एंड इस सेटिंग पाउडर की रेंज है 190। दोस्तों अगर आप बिगनर हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता लेकिन आप मेकअप सीखना चाहते हो, तो आपको इसी रेंज में अच्छे प्रोडक्ट लेने चाहिए। तो 190 के रेंज में स्विस ब्यूटी काफ़ी अच्छी मतलब इसके प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो 190 के रेंज में मिल जाता है। तो आप अगर आप बिगनर हो तो आपको यही बाय करना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देखिए इसके साथ आपको स्पंज मिलेगा, मैंने इसको यूज करके भी देखा है, ट्राई किया है, तभी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है ये मेरा सेटिंग पाउडर एंड इस बॉक्स के अंदर और क्या था मैं देखती हूँ। तो इस बॉक्स के अंदर मुझे वन मिनट, मैंने मंगाया है मैवलिन न्यूयॉर्क का एक कंसीलर, ओके। तो ये है कंसीलर 25 मीडियम इसका शेड है, फिटमी के जो भी प्रोडक्ट हैं मैवलिन फिटमी के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैंने इसे बाय कर लिया है। एंड ये जो कंसीलर है इसकी MRP है 475 एंड ये मुझे मिला है 356 रुपए में, यानी काफ़ी अच्छी छूट के साथ ये मुझे मिल गया है। एंड मार्केट में जाऊंगी तो बिल्कुल प्रिंट रेट देते हैं, तो मैंने अपने लिए एक कंसीलर भी बाय किया है। तो चलो नेक्स्ट बॉक्स में देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा सामान है, तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ उसमें से ये एक लूज़ पाउडर। एक्चुअली बात ये लैक्मे का रोज पाउडर है, ये मेरा बहुत ज़्यादा लेने का मन था काफ़ी दिनों से। अच्छा मैंने इसे मार्केट में सर्च किया, पर पता नहीं क्यों मिल जाना चाहिए पर मुझे नहीं मिला। मैंने ऑनलाइन भी इसे काफ़ी बार ऐड कार्ड किया बट मैं इसे नहीं लेती थी। फाइनली मैंने इसे ले लिया है, लैक्मे रोज़ पाउडर विद सनस्क्रीन। तो डेली यूज के लिए ये पाउडर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड इसको यूज करने के बाद काफ़ी 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ये पाउडर बहुत 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 ज़्यादा पहले से ही पसंद था, क्योंकि मैंने इसे अपनी बुआ के पास देखा था। क्या ना लड़कियों को होता है ना कि बुआ के पास, चाची के पास या मम्मी के पास देख के ना मन होता है मेरे पास भी ये होना चाहिए। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, तब मेरे पास मेकअप के प्रोडक्ट नहीं होते थे, तब मेरे पास ऐसा ही मन था। तो तब से मेरा मन था और अब मैं इसे ले पाई हूँ। दोस्तों ये 40 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ आता है, इसकी जो रेंज है वो 170 रुपये है लेकिन ये मुझे 160 रुपये में अमेजोन पे मिला है। तो नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, और तो नेक्स्ट जो मैं शेयर करने वाली हूँ आज के वीडियो में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्या है ना हम लोग मेकअप तो कर लेते हैं पर हमारा मेकअप है ना बहुत जल्दी डल हो जाता है, ब्लैक पड़ जाता है। तो हमारा मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग कैसे बने, उसके लिए मैंने ये प्रोडक्ट अपने लिए बाय किया है। थोड़ी नॉइज़ आ रही है इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, तो कोई बात नहीं चलता है, आप अपने ही हो यार। तो ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर मैंने बाय किया है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट मेकअप फिक्सर था तो मैंने इसे बाय किया। इसकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं थी, ये आपको बता दें ये मुझे मिला है, इसकी MRP है 249 रुपये और ये मुझे मिला है केवल 180 रुपये का। तो पहला जो सेटिंग स्प्रे था मेकअप सेटिंग स्प्रे, तो मैं इसी रेंज में लेना चाहती थी। स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट मैंने यूज किए हैं पहले भी, तो मुझे लगा ये काफ़ी अच्छा होगा, या ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये मुझे बता दूँ, मुझे धनतेरस के दिन रिसीव हुआ था ये प्रोडक्ट और मैंने उस दिन पहली बार मैंने ये यूज किया। मैंने लगभग 3 या 4 बजे मेकअप किया था और रात के 11-12 बज गए थे,
मेरा मेकअप टस से मस नहीं हुआ, और मैंने भी अभी भी इसको यूज कर रखा है, क्योंकि मुझे एक वीडियो शूट करना था, उसके बाद एक और वीडियो शूट करना है, तो काफ़ी देर तक जो मेरा मेकअप है वो फिक्स रहे, इसलिए मैंने इसको यूज किया है। बहुत ही कमाल की चीज़ है यार, अगर आप मेकअप का प्रोडक्ट ले रहे हो, कितने भी प्रोडक्ट ले लो, लेकिन आप सेटिंग स्प्रे नहीं लगाओगे ना, सच बताओ मेकअप बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि आपका जो मेकअप है वो बहुत जल्दी गायब हो जाता है, बट ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। एंड हाँ, जो फाउंडेशन है उसको अप्लाई करने में अगर उस टाइम इसको यूज करोगे तो जो एप्लीकेशन होती है फाउंडेशन की बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, ये प्रोडक्ट, इसके अंदर आपको एलोवेरा और विटामिन ई के भी गुड़ मिल जाएंगे, और इसकी क्वांटिटी आपको बता दें कितनी है, ये 50 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ आता है। मैं इसकी बोतल भी आपको खोल के दिखा देती हूँ, शुक शुक प्यारी सी क्यूट सी ये बोतल है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम, अगर बिगनर हो, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो, क्योंकि मैं भी नहीं खर्च करती थी और अभी भी नहीं खर्च करती हूँ, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने अपने लिए एक आईब्रो पेंसिल भी मंगाई है, आईब्रो पेंसिल के साथ थोड़ी सी कहानी हो गई, कहानी ये हो गई क्योंकि मैंने ब्राउन कलर मंगाया था, पर ये मुझे ब्लैक रिसीव हुआ, बाद में मैंने जाके चेक किया तो शायद मैंने ब्लैक ही मंगाया था, तो मुझे ये ब्लैक रिसीव हुआ, पर कोई बात नहीं। लैक्मे की आईब्रो पेंसिल है, 60 rupees के रेंज में है, एंड इसकी जो डेट वेट है 1.2 ग्राम है, और 36 मंथ आपकी इसकी सेल्फ लाइफ है। तो ये प्यारी सी आईब्रो पेंसिल भी मैंने अपने लिए बाय की है अमेज़ॉन से। तो नेक्स्ट देखते हैं और क्या है इस बॉक्स के अंदर। तो नेक्स्ट मैंने मंगाया है एक और लूज़ पाउडर, मैं तीन तीन लूज़ पाउडर मंगा लिए इस बार। ये है बनाना लूज़ पाउडर, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेकअप वीडियोस देखे थे, यार बनाना लूज़ पाउडर यूज़ करते हैं क्या होता है, तो इस चक्कर में मैंने ये लूज़ पाउडर मंगा लिया है। ठीक है, ये इनसाइड बनाना लूज़ पाउडर। तो क्या है ना, लूज़ पाउडर आपको काफ़ी कंपनी के मिल जाएंगे, ठीक, मैमलिन वगैरह के भी काफ़ी महंगे हैं। ये वाला है 180 rupees का, तो ये प्रिंट रेट में मिला है, पर 180 rupees की रेंज में ये काफ़ी, मतलब ठीक है, पहला है, तो मैंने कहा कि पहला यही यूज करके देखते हैं। तो बनाना जो पाउडर लूज़ पाउडर होता है वो खासकर आपके ये जो डार्क सर्कल हो जाते हैं ना यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, टिन 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 कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है, मेकअप को सेट करने के लिए भी यूज़ होता है। तो और ये 40 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ आता है, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं था तो मैंने इसे बाय कर लिया। एक चीज़ मैंने बहुत देखी है, एक लिपस्टिक बहुत ज़्यादा आजकल क्या हो रही है, जो भी हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है बहुत सारे वीडियोस में, तो मैंने भी इसे बाय कर लिया है। ये एक नहीं, इसमें मल्टी कलर होते हैं, FF5 in 1 लिपस्टिक, मतलब एक लिपस्टिक के अंदर आपको 5 lipstick मिल जाएगी। ठीक है, वाओ, इसकी पैकेजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ओके, मैं इसे ओपन कर दूँ, ये रही पहले लिपस्टिक, तो मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखाती हूँ। वाओ, इसकी पिगमेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट यूज करना है तो ऐसे निकालना पड़ता है श्यू से तो ऐसे निकालेंगे और यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी आगे, और ये आप सेकंड कलर भी यूज कर सकते हो। वाओ, इसके कलर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, यानी आप एक मिनी लिपस्टिक की तरह, लेकिन इतनी लिपस्टिक काफ़ी दिन तक चलती है यार। तो इसके कलर जो हैं वो आपके काफ़ी सारे ड्रेसेस के साथ सूट करने वाला है, चलने वाला है। मैंने अभी इसको यूज करके नहीं देखा था, मैं चाहती थी कि आपके सामने ही मैं इसे यूज करके दिखाऊं, फिलहाल तो मैं अपने हाथों में ही दिखा रही हूँ। ठीक है, वाओ, इसके सारे कलर देखे, सब चलने वाले कलर हैं यार, मेरी साइड ड्रेस के साथ मैच करेंगे, यानी आप इसे डेली यूज पे भी यूज कर सकते हो, एंड पार्टी वेयर में भी, तक रेड है, पिंक है, मैरून है, सारे कलर आपको मिल जाएंगे। सारे कलर बहुत ही अच्छे हैं, पिगमेंटेशन भी इसकी बहुत अच्छी है ये लिपस्टिक, एंड इसकी जो फिगर्स है वो वाकई में बहुत ही प्यारी है। ये जो लिपस्टिक है, इस लिपस्टिक की जो रेंज है मैं आपको बता दूँ, इस लिपस्टिक की रेंज है 750 rupees, लेकिन ये मुझे मिली है 562 rupees में, तो काफ़ी अच्छी छूट के साथ ये मुझे मिल गई है। एंड ये बनी है 5/2021 की, इसी साल की, एंड ये 5/2024 तक चलने वाली है, यानी काफ़ी ज़्यादा टाइम भी है इसको यूज करने का, तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई। तो
आप 500 की रेंज में अगर लेना चाहो तो एक लिपस्टिक मिलती है, लेकिन 500 की रेंज में आपको आपको मतलब पांच कलर मिल जा रहे हैं, तो ट्राई करना चाहिए। तो मैंने देखा था इसलिए मैंने ट्राई कर लिया। एंड मैंने एक लिपस्टिक और बाय की है, ये है वेट एंड वाइल्ड की, और 88 रुपीज़ में ये मुझे मिली है। ये इसकी वैसे ओपन करके दिखाती हूँ इस लिपस्टिक को भी। आई थिंक कम रेंज की थी तो मैंने कहा चलो अच्छा ट्राई कर लेते हैं इसको भी, तो अभी मैंने इसे ट्राई नहीं किया है। 88 की रेंज में है। ओके वैसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ क्योंकि ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और ओके उसको ओपन, बट ये मुझे अच्छे से रिसीव नहीं हुई है। इसकी पैकेजिंग जो थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी, ठीक है। और ग्लॉसी कलर है, पिंक कलर है, ठीक है। तो 88 की रेंज में ठीक है, ओके प्रोडक्ट मैं बोलूँगी, क्योंकि अगर ये मुझे सही से रिसीव होता अच्छी पैकेजिंग में तो ये लिपस्टिक है फिनिश होती, लेकिन बट ये एक पॉलीथीन के अंदर थी, ठीक है, और रास्ते में टूट गई तो ये बैठता। नेक्स्ट जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मुझे काफ़ी दिन से लेना था तो मैंने आखिरकार ले लिया। शुगर का ये पैलेट है, फेस पैलेट। इस पैलेट के अंदर आपको कंटूर, हाइलाइटर एंड ब्रोंजर तीनों मिल जाते हैं। मैंने इसको यूज किया है, ये आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे जो ग्लो है। आपको ब्लश का ब्रोंजर भी मैंने यूज किया है, ब्लश भी किया है, कंटूर भी किया है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ट्राई किया है। तो ये सब मैंने इसी पैलेट से यूज किया, आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे ये ग्लो जो आपको दिख रहा है, ये हाइलाइटर का ग्लो दिख रहा है, ये वही हाइलाइटर है। तो मैंने ये शुगर की पैलेट थी तो मैंने इसे बाय कर लिया है। दोस्तों ये जो पैलेट है इसका शेड है 01, और ये मुझे मिली है 639 रुपए की, ठीक है। एंड इसकी एमआरपी कितनी है, इसकी एमआरपी है 799 रुपए में। तो ये भी काफ़ी अच्छी छूट के साथ मुझे मिल गई है, और इसका जो ब्लश हाइलाइटर खासकर मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया। मेरा चेहरा ग्लो कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड जो मैं सबसे लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैं बहुत ही एक्साइट हूँ शेयर करने के लिए, तो दोस्तों ये था वेगा का हेयर स्ट्रेटनर। एक्चुअली मुझे शादी में जाना है तो कहीं पार्लर वगैरह नहीं मिलता और हेयर स्टाइल की प्रॉब्लम रहती है, और मेरे बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, तो मेरा मन था कि इस बार मैं अपने बालों को स्ट्रेट करूँ। तो मैं काफ़ी दिनों से स्ट्रेटनर देख रही थी, तो मैंने फाइनली वेगा का हेयर स्ट्रेटनर मंगा लिया है। वाओ वाह, इसका जो पिंक एंड ब्लैक कलर है ये बहुत ही खूबसूरत कलर है। कलर की बात करें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। कंट्रोल करने का मतलब दिया गया है बटन, एंड से लॉक सिस्टम भी दिया गया है, और आपको लगभग 1 से 1.5 मीटर का वायर मिल जाता है। ये जो स्ट्रेटनर है ये कैरमिक कोटेड है जो आपके बालों को नुकसान नहीं देता है, तो आपके पास भी एक हेयर स्ट्रेटनर होना चाहिए। दोस्तों ये जो हेयर स्ट्रेटनर है ये लगभग 1,000 की रेंज में आता है, पर ये मुझे मिला है 647 रुपये का। तो काफ़ी अच्छी रेंज में, काफ़ी अच्छी मतलब जो डील में मुझे मिल गया है, तो मैंने इसे बाय कर लिया है। तो दोस्तों ये था अमेजॉन ब्यूटी हॉल, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे प्रोडक्ट अपने लिए बाय किए। एक्चुअली बार घर में शादी है तो इस वजह से बाय भी कर लिया है मैंने, एंड मुझे कुछ प्रोडक्ट लेने का बहुत दिन से मन था इसलिए भी बाय कर लिया है। तो दोस्तों अगर आप भी ये प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो मैं इन सभी प्रोडक्ट की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। क्या है ना, हो सकता है आप लोग को उस लिंक की वजह से काफ़ी अच्छी छूट मिल जाए और आप वो प्रोडक्ट खरीद सकें, तो दोस्तों किफ़ायती रेंज में खरीद सकें। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ज़रूर एक बार विजिट करना। एंड हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, एंड पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।